हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल शिवम अरोड़ा फ्रॉम शुभ एजुकेशन उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग 2022 के बारे में तो जो भी स्टूडेंट्स हैं पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जिन्होंने अब तक नहीं किया किसी और स्टेट से थे ठीक है अब अपने उत्तराखंड स्टेट में देखना चाह रहे हैं ठीक है और या वो पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज की तरफ देख रहे हैं या उत्तरांचल हो गया ठीक है बहुत सारे कॉलेज है तो वो यहाँ पे अभी भी, भी अप्लाई कर सकते हैं मोब राउंड का जो स्केड्यूल है वो अनाउंस यहाँ पे कर दिया गया जिसको हम थर्ड राउंड भी कहते हैं हालांकि इसके एक बाद एक और राउंड भी किया जाएगा यहाँ पे स्ट्रे वैकेंसी राउंड तो आप उसमें भी देख सकते हैं बट उसमें चांसेस कम है काफी ज्यादा कि रजिस्ट्रेशन दोबारा से होने के तो आपके पास ये भी चांस चांस है लास्ट मान के चल सकते हैं इसको इसमें आपके अब एडमिशन होने जा रहे हैं पे ठीक है राउंड के लिए तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने जा रहा बताने इससे पहले अगर हम कॉलेजेस के बारे में बात कर करें तो बहुत सारे कॉलेजेस है और यहाँ पे देवभूमि है ठीक है इसके अलावा यहाँ पे उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज हो गया मदरहुड हो गया ऋषिकुल हो गया ठीक है इसके अलावा डिम्स हो गया आ, उसके अलावा यहाँ पे शिवालिक है ठीक है और हरिद्वार में बहुत सारे हैं ओम ओम हो गया हो गया तो बहुत सारे कॉलेज आपके पास यहाँ पे अच्छे अच्छे ऑप्शन आप देख सकते हैं और हमारी टीम के थ्रो तो अपनी जो काउंसलिंग है वो भी आप करवा सकते हैं नंबर का कॉल करके ठीक है तो जो फिफ्टी परसेंट सीट्स है यहाँ पे वो वहां उधर के स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो प्राइवेट कॉलेज की है और जो बाकी फिफ्टी फिफ्टी जो सीट्स बचती है दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे रखी गई है क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बाहर के यहाँ पे आउटसाइडर साइडर जो एस बी के लिए अप्लाई करते हैं तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है कम फीस में आपको हम अच्छे से अच्छा कॉलेज करा के देंगे आपके मार्क्स हो देंगे अकॉर्डिंग तो नंबर पर कॉल है व्हाट्सएप आप कर सकते हैं ठीक है तो ये वेबसाइट और यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिस आया हुआ फॉर काउंसलिंग स्केडसी राउंड तो यह है इस राउंड का ठीक है आपको बताने वाला कैसे सिक्योरिटी मनी आपको सारा कुछ प्रोसेस बताता हूँ तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिफ्थ फेबर से स्टार्ट होने जा रहा है और सेवन फेब्रवरी से तक चलने वाले तो यहाँ पे आपके पास फिफ्थ सिक्स तो तीन दिन का आपके पास टाइम है यहाँ पे आप ये रजिस्ट्रेशन आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं और सबमिट यहाँ पे कर सकते हैं ठीक है और जो मेरिट लिस्ट है कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अप्लाई किया है वो आ जाएगी एट्थ को और ठीक है फिजिकल रिपोर्टिंग इन उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी एंड अलॉटमेंट ऑफ सीट्स बाय काउंसलिंग बोर्ड तो फिजिकल रिपोर्टिंग आपको नाइन्थ ही करनी है और सीट भी जो आपके अलॉटमेंट है वो भी नाइन्थ को यहाँ पे अनाउंस कर दी जाएगी ठीक है आपको अलॉटमेंट आते ही आपको फिजिकल रिपोर्टिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी और लास्ट डेट रहने वाली है टेंथ से लेके थर्टीन तक आप कॉलेजेस में जाके ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है और इसके अलावा और क्या क्या बातें लिखी हुई गई आपको वो भी मैं पढ़ा देता हूँ तो इन एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं जो राउंड में या फर्स्ट या सेकंड राउंड में ए ट्रिपल जिनको कॉलेज मिला जिन्होंने नहीं लिया छोड़ दिया ठीक है तो वो स्टूडेंट यहाँ पे इन एलिजिबल है उस चीज का आपको ध्यान रखना है तो जो अमाउंट आपको पे करनी है रजिस्ट्रेशन के लिए वो करनी है टू थाउजेंड रुपीज विच इज नॉन रिफंडेबल और जब आप अलॉटमेंट लेटर आप तभी डाउनलोड यहाँ पे कर पाएंगे अगर आप फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज सिक्योरिटी है जो वो उसको जमा कराएंगे ठीक है तो आपका अलॉटमेंट लेटर निकल पाएगा अदरवाइज जो आपका लेटर है वो नहीं यहाँ पे निकल पाएगा ठीक है उसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं और इस बात का आपको ध्यान रखना है और एक और बात यहाँ पे लिखी गई है, तो है, है तो आप अपने उस हिसाब से रेडी रहे अपने खाने का प्रबंध रखें ठीक है तो ये बातें सारी यहाँ पे लिखी गई है तो आप उस तरीके से ही आना मोबप में जब आप रिपोर्टिंग करने आओगे ये अपना एक होटल वोटल वहां पे बुक करके आप रख सकते हैं ठीक है एक दिन वहां पे आपको ठहरना भी पड़ सकता है बेसिकली डॉक्यूमेंट्स क्या लेके आने हैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म करना जो आपको आप ये फिल करोगे उसको इसको, प्रिंट करके ठीक है इसके कलर, है बाद कलर्ड पासपोर्ट साइज लेके आनी दो आपको हाई स्कूल टेंथ के आपको मार्कशीट लेके जानी है ठीक है जिसमें एज प्रूफ लिखा हो उसके बाद आप मार्क्सिट हो गई और एक टेंथ प्लस टू का सर्टिफिकेट आता है वो लेके जाना है एडमिट कार्ड हो गया रैंक लेटर आपको लेके जाना है जिसको हम रिजल्ट भी कह सकते हैं पहले रैंक लेटर अलग से निकला करता था ठीक है सर्टिफिकेट अगर कोई है तो वो भी लेके जा सकते हैं डोमिसाइल लेके जाना पड़ेगा अगर आप उत्तराखंड के स्टूडेंट हैं ठीक है तो वैलिड आईडी प्रूफ आपको आधार कार्ड पासपोर्ट ड्राइविंग वेबसाइट रहने वाली है यू ए यू डॉट ए सी डॉट इन ये वेबसाइट रहेगी और इस इसपे आपकी काउंसलिंग यहाँ पे होने जा रही है ठीक है तो उत्तराखंड आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी ये काउंसलिंग है बॉडी वो करवाती है बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं कम फीस भी हैं काफी ज्यादा फीस भी हैं तो आप देख सकते हैं ठीक है उत्तराखंड के लिए अच्छे से कॉल चीज हमारी टीम से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन सारा कुछ हम आपकी कंप्लीट uh, हेल्प करने वाले थ्रू आउट काउंसिलिंग नंबर नीचे उस पर हमें कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट एंड गुड केयर